भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ और ख्याति, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, ख्याति तुम बताओ। बस मैं तो ठीक हूँ। हमारे ऑडियंस में हमेशा हमें रिक्वेस्ट आती रहती है कि टेक्निकल पुलियाबाजी और की जाए, तो आज कुछ टेक्निकल विषय पे बात हो जाए। हाँ आज हम करेंगे ना, आज हम लोगों ने बहुत पहले, पता नहीं हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑडियंस होगी उनको याद होगा, एपिसोड 55 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज पर राहुल राज के साथ एपिसोड किया था। लेकिन आज हम उस विषय में और भीतर तक घुसेंगे, अंदर तक जाएंगे और बैटरी से जाकर के बैटरी का जो कंपोनेंट होता है सेल, उसकी तरफ जाएंगे। और उसके लिए हमारे पास एकदम परफेक्ट गेस्ट हैं आज, अपूर्व शालिग्राम, जो कि इटर्नल एनर्जी के को-फाउंडर हैं और वहां पे वो एक नए प्रकार का लिथियम आयन सेल बना रहे हैं। तो स्वागत है अपूर्व आपका पुलियाबाजी में। थैंक्स सौरभ, थैंक्स प्रणय, थैंक्स ख्याति, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया है, बढ़िया। तो जैसा हम अक्सर करते हैं अपूर्व, शुरू से शुरुआत करते हैं टिपिकली, तो बैटरी वगैरह के बारे में हमने काफी डिस्कस किया और काफी कॉन्टेक्स्ट लगाने के लिए अपने श्रोताओं को बता दूं भाई, बैटरी हम आम भाषा में अक्सर बैटरी सेल पर्यायवाची की तरह यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकली जो है एक बैटरी जो है वो सेल का समूह होता है। तो खूब सारे सेलों को जोड़ दें तो बैटरी बन जाती है। तो इस तरह से सेल होते हैं और बैटरी होती है। तो आज हम तो बैटरी अलग अलग बैटरी की अपनी समस्याएं हैं और उनको बारे में हमने डिस्कस भी किया है। जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन सकते हैं एपिसोड 55 हमारा। लेकिन आज हम सेल पे जाएंगे जहां सेल केमिस्ट्री और इन सब चीजों के ऊपर में। तो अपूर्व शुरू एकदम वहां से करेंगे ना, तो ये एक लिथियम और लिथियम आयन पे ही हम ज्यादा करेंगे, बट इन जनरल एक सेल कैसे काम करता है, यहां से शुरू करते हैं। तो सेल जो है वो बेसिकली एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है। और अगर सेल का मैकेनिज्म समझना है तो ये समझिए कि अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या तो एनर्जी आपका रिलीज होता है। तो हम क्या ले रहे हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया जाए जो कि एक तरफ आप एनर्जी उसमें स्टोर कर सके और दूसरी ओर उसको रिलीज कर सके, कंट्रोल्ड मैनर में करना है, क्योंकि हमको उसको उस एनर्जी को यूज करना है। ठीक है, तो अब उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करें, तो इलेक्ट्रिकल इज द बेस्ट वे टू डू इट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उससे हम सारी चीजें, हमारे जितने भी अप्लायंसेस है, जितने भी एप्लीकेशन है, वो सारे उस पर चल सकते हैं। भले वो लाइट हो, पंखा हो, जो कि हमारा बिजली जाने पे हमारे जो वो इमरजेंसी डिवाइसेस होते थे, वो वहां से लेके अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप से लेके आज की तारीख में देखे तो गाड़ियां तक उस पर चल सकते। मगर ये कैसे करें, तो होता ये है कि ऐसे रिएक्शन लेते हैं जिसको हम लोग केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि दो चीजें हो रही है, एक हो रहा है रिडक्शन, दूसरा हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आसान तौर से समझाओ तो हर केमिकल में हर जो एक एलिमेंट होता है उसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर वो घट रहा है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। और हम ऐसा रिएक्शन लेते हैं जिसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए कि रिडक्शन अलग से होगा, ऑक्सीडेशन अलग से होगा। और एक और इसकी खास बात होती है कि ये जो दो हिस्से है, एक में इलेक्ट्रॉन और आयन निकलेंगे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन और आयन कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो बैटरी जो बनती है वो इसलिए चलती है क्योंकि हम वो दोनों को अलग अलग रास्तों से ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सर्किट में फ्लो करता है, वायर में फ्लो करता है, जबकि आयन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्वेंट में फ्लो करता है। तो ये दोनों एक रास्ते से नहीं पहुंच सकते, दो अलग अलग रास्ते से पहुंचेंगे। और अगर उस वायर में मैंने बीच में स्विच डाल दिया तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। मुझे चार्ज करना है तो चार्ज कर सकता हूँ चार्जर लगा के, डिस्चार्ज करना है तो वो स्विच ऑन करके मेरे एप्लीकेशन पे लगा सकता हूँ। तो साधारण बल्ब लगा दिया तो जल जाएगा, इसमें बल्ब लगा दिया तो जल जाएगा। तो बैटरी इस तरह से चलती है कुछ। अब ये लिथियम आयन पे जाऊं तो लिथियम आयन और बाकी बैटरियों में एक थोड़ा सा अंतर है। लिथियम आयन से पहले जितनी भी बैटरी की टेक्नोलॉजी थी, हमारा अल्कलाइन बैटरी जो रिमोट कंट्रोल में जाता है, उससे पहले जिंक कार्बन बैटरी हुआ करता था, जो हमारे एवर रेडी के, निकॉन के जो बैटरी आते थे, या फिर आज की तारीख में जो गाड़ियों में चलता है वो लेड एसिड बैटरी होता है। किसी भी बैटरी को ले लिया जाए तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड जो आपका होता है, एक जो आपका रिएक्टेंट होता है, वो मेटल होता है।
लेड एसिड में लेड मेटल का प्लेट लगता है, जिंक कार्बन बैटरी में वो जिंक की प्लेटिंग होती थी जो डायरेक्ट रिएक्ट करती है, लिथियम आयन बैटरी में ये अंतर है कि लिथियम आयन में लिथियम मेटल नहीं होता, ठीक है। तो ये एक अंतर है। हालांकि देखा जाए तो जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, जब कमर्शलाइज हुआ था टेक्नोलॉजी, तब लोगों ने लिथियम मेटल बैटरी ही बनाया था, तो इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये रिवर्सिबल बैटरी है, हमको इसको कई बार चार्ज डिस्चार्ज करना होता है, और कई बार चार्ज डिस्चार्ज करने के चक्कर में क्या है, जब ये चार्ज करने लगे लोग लिथियम मेटल बैटरी को, तब पता चला कि डिस्चार्ज में तो बहुत अच्छे से जा रहा है, मतलब वो लिथियम निकल के दूसरी तरफ जा रहा है, जब इसको वापस लाने की कोशिश करते तो ये यूनिफॉर्म नहीं था, कुछ जगह पे ज्यादा लिथियम जाता था, कुछ जगह पे कम लिथियम जाता था, और ज्यादा कम के चक्कर में 3-4 साइकिल में ये होता था कि वो अंदर से लिथियम का एक पूरा स्पाइक बन के दूसरी तरफ टच करके शॉर्ट सर्किट कर देता। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाए चार्जर पे लगे हुए बैटरी का, तो समझ लीजिए कि धमाका होता है। और इसके लिए कोई टेक्निकल टर्म है ना, जो ये लिथियम का जो आपने डेंड्राइटिक ग्रोथ इस तरह का जो बिहेवियर, डेंड्राइटिक ग्रोथ कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। हाँ हाँ। तो ये डेंड्राइटिक ग्रोथ जो होता था उससे, ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 की, जब लोगों ने शुरुआती तौर पे लिथियम मेटल बैटरीज निकाले थे पोर्टेबल, उस समय लैपटॉप नहीं कहते थे उसको, वो ब्रीफकेस वाला कंप्यूटर कहते थे, सैटेलाइट फोन होता था, हमारी तरह आज की तरह मोबाइल फोन नहीं होते थे, मगर उनके लिए जो है ये बनाने शुरू किए थे। मगर बहुत सारे जब ये बैटरी फटने के किस्से हुए, तो जैसा कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, तो लोगों को समझ में आ गया कि लिथियम मेटल नहीं यूज कर सकते मगर हमको बाकी तो चाहिए, बिकॉज लिथियम आयन बैटरी में एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम है, बाकियों के कई गुना ज्यादा है, और ये रिचार्जेबल भी है। तो ये ऐसा क्यों है अपूर्व, लेकिन ये मैं ये चीज पूछना चाहता था, क्योंकि ठीक बात है लेड एसिड है, निकल कैडमियम है, जिंक है, तो अब उसकी वजह से लिथियम को इसीलिए प्रिफर किया गया क्योंकि उसमें एनर्जी डेंसिटी, जिसको कहते हैं कि हर किलोग्राम में कितनी एनर्जी डाल सकते हो, वो बहुत ज्यादा है, तो वही उसकी खास बात है कि भाई आप छोटे से में बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हो, तो ऐसी लिथियम में क्या खास बात है कि लिथियम की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है? दो तीन चीजें हैं। पहला तो ये है कि अगर आप केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखें तो लिथियम आता है 3 नंबर पे, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बाद लिथियम जो है आपका सबसे छोटा और सबसे हल्का एटम है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसमें 3 नंबर पे आता है, मतलब बेसिकली 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप हाई स्कूल की केमिस्ट्री खोल के देख ले तो आपको याद आएगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन का शेल स्ट्रक्चर बनाते थे, तो जितना आप बाहर जाते जाएंगे ना उतना एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कम होती जाती है, जितना आप पास में जाओगे आपके न्यूक्लियस के तो उतना उसकी एनर्जी खींचने की जो एनर्जी जो लगती है निकालने के लिए वो बढ़ती जाती है। तो लिथियम का ऐसा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इसके कारण वो निकलता है तो उतनी एनर्जी स्टोर होगी या उतनी एनर्जी रिलीज होगी। बढ़िया। तो ये कारण था। अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है जिसको कि इस एनर्जी को पोटेंशियल के तौर पे बताया जाता है कि कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होने में कितना पोटेंशियल लगता है, कितना एनर्जी लगता है। तो लिथियम इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, इट इज एट -3 वोल्ट्स वर्सेस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विच इज द हाइएस्ट एनर्जी गैप दैट वी कैन क्रिएट। तो अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो हम लोग उसको कर सकते हैं, मगर उसके कुछ कठिनाइयां भी आती है उसकी वजह से। लिथियम आयन बैटरी से पहले जितनी भी बैटरी केमिस्ट्री थी उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता था ना वो पानी में बन सकता था। अब इसलिए कि ये लिथियम आयन बैटरी का जो दोनों इलेक्ट्रोड है, एनोड भी है जो मेटल के पाथ में जाता है, या कैथोड भी है जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो एकदम दूसरी तरफ ज्यादा होते हैं। दोनों को अगर देखेंगे तो अगर पानी अगर बैटरी में होगा किसी भी, तो मतलब मैं इलेक्ट्रोलाइट पानी में बनाए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कुछ छोटे फ्रैक्शन में भी होगा 0.1% भी अगर उसमें पानी होगा कहीं पे इम्प्यूरिटी के तौर पे, तभी बैटरी में प्रॉब्लम आती है। जबकि ये बाकी लेड एसिड वगैरह में ये दिक्कत नहीं है, वहां तो पानी हम खुद ही पानी हम खुद डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं बार बार। अच्छा, लिथियम आयन में दूसरा ये होता है ना कि पानी नहीं जाना चाहिए, तो ये बैटरी सील्ड होनी पड़ेगी, तो वो एक प्रॉब्लम आती है कि आप उसको अगर कुछ हो जाए तो आप रिपेयर नहीं कर सकते, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, नहीं तो फिर उसको डायरेक्ट रिसाइकल होगी। तो ये दो लेड एसिड वगैरह खूब रिसाइकलेबल बैटरीज है। नहीं, लिथियम आयन भी रिसाइकल होती है,
मगर लेड एसिड में ये होता था ना कि जैसे खोल के वो एसिड का लेवल चेक कर लिया, पीएच चेक कर लिया, अपने पानी डाल के फिर से वो चालू हो गई, वो नहीं होता था। तो ये एक दो कठिनाइयां थी, मगर जैसे हाँ मतलब आता हो कि अगर वो लिथियम मेटल्स में जो आग लगती थी फटता था, तो जापान के कुछ साइंटिस्ट थे अभी, उनको 2 साल पहले 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, उनमें से वो एक थे जिन्होंने ये खोजा कि ग्रेफाइट जो होता है हमारा, वो ग्रेफाइट को हम लिथियम आयन बैटरी में एनोड बना सकते हैं। तो अब ये सोचिए कि मेटल नहीं है, लिथियम जो है वो सिर्फ आयन फॉर्म में है, और ऐसा सोचिए कि वो घर से ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से घर जा रहा है, दोनों तरफ एक एक कमरा बना के रखा है उसको बैठने के लिए, वो सिर्फ शटल कर रहा है इधर से उधर। तो आप जब उसको चार्ज करते हो तो वो ऑफिस जाता है और काम करके वापस आता है, तो ऐसा सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये आयन बैटरी है, ये इससे पहले कोई था नहीं लिथियम, इसीलिए लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। तो वो एक उधर ग्रेफाइट के पास जाता है और वापस आ जाता है। तो जब वो चार्ज होता है तब वो एनोड में जाता है, अभी वो कैथोड में होता है लिथियम आयन, जब वो चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ जाता है, फिर जब डिस्चार्ज होगा जैसे जैसे वो फिर वापस। तो इसमें एनोड और कैथोड जो कहते हैं, तो है दोनों इलेक्ट्रोड, है दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों तरफ रिएक्शन वही हो रहा है, या तो लिथियम अंदर जा रहा है या तो बाहर निकाल रहे हो। पर कितना है कि अगर हम कन्वेंशन देखें ना, तो ये होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम एनोड बोलते हैं, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम कैथोड बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है उसकी। मगर रिचार्जेबल बैटरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि चार्ज करते समय जो ऑक्सीडाइज होता है डिस्चार्ज में वो रिड्यूस भी होता है। तो हम क्या कहते हैं कि सारी बैटरीज के लिए कॉमन अगर कन्वेंशन रखना है तो हम सिर्फ डिस्चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज तो सारी बैटरी होती है, चार्जेबल हो या ना हो। तो ये हम डिस्चार्ज में जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड, डिस्चार्ज में जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ग्रेफाइट एनोड फर्क नहीं है। हाँ टेक्निकली फर्क नहीं है, क्योंकि टेक्निकली फर्क दोनों हो ही रहे, दोनों जगह दोनों हो ही रहा है, बट हम लोग उसको कहते हैं एनोड ग्रेफाइट को, या आज की तारीख में ग्रेफाइट में थोड़ा सा सिलिकन बढ़ाना शुरू कर दिया लोगों ने, जैसे कि एक कैपेसिटी बढ़ जाता है आपका। तो दूसरी तरफ हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं या फिर मेटल अदर कंपाउंड्स होते हैं जो आजकल NMC कहते हैं, पहले जो हमारे मोबाइल फोन में चलता था वो LCO होता था, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। तो ये NMC कुछ नहीं है उसमें आपका। तो ये लिथियम में ये खास चीज क्यों है अपूर्व? इसमें खूब होते हैं ना LFP, LiPo, LTO, NMC, CO, जैसे तुमने बोला, मतलब इतने सारे नाम हैं। तो वो फेरस, क्या जो भी LFP होती है फेरस फॉस्फेट, राइट, और LTO माने टाइटेनियम ऑक्साइड, NMC हो गई निकल मैंगनीज कोबाल्ट टाइप, राइट। तो ये इतने ये सब क्या है? ये ग्रेफाइट साइड जो तुमने बताई वहां पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, ये उनका नाम है या ये कुछ और चीज है? ये नहीं, अब जैसा मैंने कहा ना कि ये लिथियम जो है अभी सिर्फ आयन है, वो एक जगह घर पे रहता है, दूसरी जगह ऑफिस जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि मतलब ऑफिस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, किसी का छोटा ऑफिस हो सकता है, किसी का बहुत बड़ा टावर हो सकता है, कोई झुग्गी में रहता है, कोई फ्लैट में रहता है, तो कोई बंगले में रहता है, तो वही वाला किस्सा है। तो लिथियम आयन जब हम कहते हैं ना, तो लिथियम आयन ये एक परिवार की तरह है, मतलब वो एक कोई केमिस्ट्री नहीं है, इट इज अ फैमिली ऑफ केमिस्ट्री। और हम कैथोड में कहे तो ये पहले लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड हुआ करता था, NMC कुछ नहीं है, वही लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड में कोबाल्ट का परसेंटेज हमने कम कर दिया और निकल और मैंगनीज से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कारण ये था कि उसमें कई सारे कारण थे, पहले तो कॉस्ट सबसे बड़ा आता है कि कोबाल्ट काफी महंगा होता है, बाकी ये था कि जियोपॉलिटिकल और सोशल कंसर्न थे कि 50% से ज्यादा दुनिया का कोबाल्ट जो है वो कॉन्गो से आता है और वहाँ पे जो माइनिंग करते हैं कोबाल्ट की, तो छोटे छोटे बच्चों से करवाते हैं, तो वो एक काफी मतलब लोगों को खटकने वाला किस्सा था। तो कोबाल्ट कम करना था तो लोगों ने कोबाल्ट को निकल और मैंगनीज डालना शुरू कर दिया कोबाल्ट की जगह, तो ये NMC बन गया। आज की तारीख में वो ये हो गया है कि कोबाल्ट जो है 5% भी नहीं बचा, 80% तो निकल चला जाता है, बाकी का मैंगनीज जाता है। तो ये उसकी कहानी थी। लिथियम आयन फॉस्फेट करके एक अलग केमिस्ट्री है, बहुत ही सुंदर केमिस्ट्री है, अगर आप उसको एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखोगे तो आप मतलब बड़े खुश हो जाओगे, क्योंकि उसके 5% से लेके अगर 70-75% तक अगर प्रोफाइल देखोगे वोल्टेज की, तो ऐसे लगेगा कि मतलब वो स्कूल के बच्चे ने रूलर लेके पेन से खींच दिए, इतनी इतनी स्ट्रेट लाइन में आती है। तो मतलब बहुत सुंदर केमिस्ट्री है, कुछ चैलेंजेस उसके भी, मगर लाइफ भी काफी अच्छी मिलती है। तो लिथियम आयन फॉस्फेट एक हो गया, जैसे एक लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड है जिसमें बिल्कुल निकल और कोबाल्ट नहीं जाता,
और कई सारे हैं कैथोड साइड पे जो आ रहे हैं। एलटीओ जो आपने बोला वो एनोड साइड पे आता है, वो ग्रेफाइट की जगह जाता है। अच्छा तो और जहां जहां तक आपने ये आपने लिपो की बात की, तो ये लिपो इज लिथियम पॉलीमर, वो थोड़ा सा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला किस्सा है। तो लिपो इज नॉट अ केमिस्ट्री, हम भी ये जब कॉलेज में थे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते थे तो सोचते थे कि ये केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री नहीं है, एक फॉर्मेट है जिसको हम पाउच सेल बोलते हैं, उसको लिपो भी बोला जाता है। और वो क्या है कि इंग्लिश टू चाइनीज, चाइनीज टू परहैप्स कोरियन, कोरियन टू चाइनीज, और उसके बाद वापस इंग्लिश में जब ट्रांसलेट होके आया तब पॉलीमर पाउच सेल बिकेम लिथियम पॉलीमर सेल। और तो क्या है कि तो वो केमिस्ट्री उसमें अलग है कोई, तो ये बेसिकली और श्रोताओं के लिए बता दें कि ये वो कॉमन सेल है जो कि आपके मोबाइल में होता है। हाँ, सबसे कॉमन मोबाइल का सेल है, मोबाइल फोन का सेल है, आजकल सारे लैपटॉप में भी शायद वही जाता है लिपो। और ये वाला किस्सा है ना कि जब बहुत सारे लोग कोई एक शब्द का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, वो भले हो या ना हो, उसको फिर आपको शब्दकोश में ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो लिपो तो वैसा केमिस्ट्री है। कौन सी होती है असली में, तो केमिस्ट्री होती कौन सी है मोबाइल फोन में? LCO होता था, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, अभी वो थोड़ा थोड़ा करके NMC की तरफ जाने लगे हैं। NMC में एक थोड़ी सी चैलेंज होती है कि NMC में क्या होता है ना कि जब बैटरी ये चलती है तो जो उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता रहता है, तो उसमें गैस जनरेट होती है जो LCO में नहीं होती थी। तो LCO में आप पाउच सेल बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पॉलीमर अपना प्लास्टिक का पैकिंग है। जब गैस बनती है तो क्या है, वो बैटरी थोड़ी सी फूलने लगती है। तो आपने ये देखा होगा, वो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने खुद भी देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी फूल जाती है, डेढ़ दो साल ढाई साल चलाने के बाद, तीन साल के बाद वो बैटरी फूल जाती है ना। उसका कारण वही होता है कि बैटरी बेसिकली तो फूलती भी है, प्लस एक और चीज होती है ना, अक्सर हम लोगों को भी बोलते हैं एज ए इंजीनियर हम यूज कर रहे होते हैं कि भाई NMC में आग ज्यादा लग जाती है और बाकी केमिस्ट्री में आग कम लगती है, तो ये क्या चक्कर है? और बीच में तो काफ़ी चक्कर हुए हैं आग लगने के, लोगों में काफ़ी कंसर्न भी हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में कि भाई लिथियम बैटरीज में आग लग जाती है, जो कि पहले एटलीस्ट लेड एसिड वगैरह में तो लोगों ने सुना नहीं था आग वाग लगने का किस्सा, ये लिथियम में, तो लिथियम बैटरीज में ऐसी क्या खास बात है कि आग लग जाती है और उसके बाद में उस विद इन लिथियम बैटरी NMC बैटरी में कुछ खास ज़्यादा ही लग जाती है? तो जैसा मैंने कहा था कि लिथियम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट में पानी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो कि आग पकड़ सकते हैं, मतलब बहुत ही फ्लेमेबल होते हैं, वो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो नेचुरली बैटरी का जो फ्लेमेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर किसी कारण आग लग जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लोग समझ लें पेट्रोल टाइप की चीज होगी बेसिकली ऑलमोस्ट ना, बिल्कुल राइट, तो उसमें तो आग लगती है। मगर उसके लिए कोई कारण होना चाहिए, अगर कोई कारण मिल जाए, कोई स्पार्क हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर वो आग पकड़ लेगा। NMC में क्या है, जैसा अभी मैं बता रहा था ना कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट का किस्सा होता है, तो अगर आप चार्ज करते हो तो उसमें से लिथियम निकाल रहे हो, अब लिथियम निकालते हो तो क्या होता है कि वो कोबाल्ट हो, मैंगनीज हो, निकेल हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा चार्ज है बैटरी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट काफी ज्यादा, मतलब सारी ही पूरे केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ चुका है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि वो स्टेबल नहीं होता। अगर वो 26, 27, 28 डिग्री पे है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे वैसा का वैसा रह जाएगा। मगर अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, और मैं जब कह रहा हूँ बढ़ जाए तो कह रहा हूँ कि 200-250 डिग्री तक बढ़ जाए, तब क्या होता है कि वो कहता है कि नहीं रहना मुझे इस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, मैं वापस जा रहा हूँ। और अगर उसका वो +3 से +2 पे आ गया तो उसका कहना है कि मैं +2 पे कैसे हो भाई, ऑक्सीजन बैठा हुआ है, वो तो आने नहीं देगा। तो फिर वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को निकाल देता है, भाई तू जा, मैं तुझे घर से निकाल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ वापस +2 पे। तो आप ये सोचिए कि 250 डिग्री पे टेम्परेचर है, आपके पास वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलरेडी गैस बन चुका है, वो तो आग पकड़ने को तैयार बैठा है। और जो आग लगने के लिए तीसरी चीज जरूरी होती है कि एनर्जी होगी, फ्यूल हो गया, आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो भी बैटरी सप्लाई कर रही है। तो NMC में ये किस्सा है कि भाई ये तीनों चीजें बैटरी से ही आ रही है, तो आग अगर लग गई तो आप उसको बुझा नहीं सकते, क्योंकि हम नॉर्मली आग जो बुझाते हैं वो क्या करते हैं कि अगर फोम स्प्रे कर दिया या कुछ स्प्रे कर दिया जिससे कि ऑक्सीजन कट हो जाए, अब जब ऑक्सीजन भी खुद ही आ रहा है बैटरी से तो अब उसको कैसे उसको? क्या यही कारण है कि अभी एरोप्लेन में भी बहुत सारी बैटरीज को जो मना कर दिया है कि आप ये बैटरीज नहीं लेकर जा सकते, उसका रीजन यही है क्या?
अच्छा नहीं, एरोप्लेन में भी अगर आप देखें तो आपको जो पावर बैंक होता है वो चेक इन नहीं करने देते। आप खुद के साथ ले जा सकते हो, मोबाइल ले जा सकते हो, लैपटॉप ले जा सकते हो, मगर चेक इन नहीं कर सकते उसको। तो कारण यह है कि अगर आग लगती है कभी गलती से तो कोई उसको कोई होना चाहिए जो इसको कंट्रोल कर सके। तो लोग वहां पे रहेंगे तो मतलब कोई ना कोई आके तो उसको किसी तरह कंट्रोल कर लेगा। अगर वो कार्गो में है और वहां पे आग लग गई तो वो मतलब जला के पूरा खाक कर देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसको, रोक भी नहीं पाओगे। तो वो एक कारण होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन की बैटरी या लैपटॉप की बैटरी इतनी बड़ी होती नहीं है कि बहुत ज्यादा डैमेज कर सके, मगर अगर उसको छोड़ दिया जाए और बाकी चीजें जलनी शुरू हो जाए तो फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो इनमें, और लेकिन अब एनएमसी खतरनाक है, लेकिन शायद क्योंकि उसकी एनर्जी डेंसिटी इन सब केमिस्ट्रीज में लिथियम में सबसे ज्यादा है, तो लोग केयरफुली उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। पर इसमें एलएफपी जो है, आयरन फॉस्फेट, ये थोड़ी सेफ केमिस्ट्री मानी जाती है। तो आजकल ये बीच में खबर थी, लोग ऐसे बोलते थे, और ये काफी कुछ टेस्ला का फैलाया हुआ रहता है, तो जो टेस्ला करती है वो खबर बन जाती है मेरे हिसाब से। तो टेस्ला, और टेस्ला रीजन भी है, टेस्ला पहली बड़ी इलेक्ट्रिक कार थी जिसने लिथियम बैटरीज यूज करी, तो उनकी इंसाइट थी कि भाई लैपटॉप की बैटरी इतनी अच्छी है तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पहले बोला ये एलएफपी पुराने जमाने की है, हम एनएमसी यूज करते हैं। अब नई वाली जो कार्स हैं उनमें वो एलएफपी यूज कर रही हैं, खुद ही टेस्ला वगैरह। तो ये चक्कर कैसे है, कैसे एलएफपी पुरानी हुई और पुरानी से नई हो गई और आजकल काफी कटिंग एज चल रही है, तो ये क्या चक्कर है एलएफपी का? इसमें नए पुराने का कोई किस्सा नहीं है। पहली बात तो ये कि अच्छा ये जो केमिस्ट्री है ना, ये 70 के दशक में सारी जितनी भी डिस्कवरी हुई है वो 70s 80s में हुई है इसकी, तो ये सबको पता थी, ऐसा ठीक। नहीं था कि पता नहीं था। बट जैसा है ना कि हम अगर कुछ देखते हैं ना कि हम कंपैरिजन किस चीज से करते हैं, ठीक है, तो एक किस्सा ये है कि अगर हम मतलब अगर एक स्कूल के बच्चों का एक एग्जाम्पल ले, अगर कंपैरिजन इस बात से करें कि मुझे एग्जाम में कितने नंबर मिलने चाहिए, तो पिछली बार जो स्कूल का टॉपर था या डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था उतने मुझे चाहिए ही चाहिए, तब तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी ना कि मतलब ये कैसे होगा। सभी अगर कहते तो वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हुआ कैसे था कि कंपैरिजन जो होता था हमेशा पेट्रोल की गाड़ी से होता था, ठीक है, या आप अगर बैटरी पे गाड़ी चला रहे हो तो चार्जिंग तो 2 मिनट में होनी चाहिए भाई, क्योंकि पेट्रोल तो हम 2 मिनट में भरते हैं। रेंज मुझे 500 साढ़े 500 किलोमीटर मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे पेट्रोल के टैंक पे उतना मिल जाता है। और बैटरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो वो पेट्रोल के टैंक के साइज की होनी चाहिए, वजन भी उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हम हमेशा कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो पेट्रोल की गाड़ी से कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो पेट्रोल का अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू पकड़े तो वो कुछ 11-12 हज़ार वॉट आवर पर किलोग्राम आता है, अगर मैं वॉट आवर में बात करूँ तो। जबकि बैटरी जो थी, ये एलसीओ वाली जो बैटरी थी, वो 200 के आसपास थी। तो अब कहाँ 12 हज़ार, कहाँ 200। और अगर मैं 12 साल पहले की बात करूँ, जब मतलब 2010-11 में एक्चुअली तब भारत वापस आया था, अगर मैं तब की बात करूँ तो उस टाइम पे एलएफपी जो था आपका 110 पे था। कहाँ जी 11 हज़ार, कहाँ 110, मतलब उसको कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बोल दिया कि नहीं, ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसकी तरफ देखना ही नहीं है। जबकि काफी लोग कह रहे थे, क्योंकि इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है। जैसा आपने कहा कि बहुत सेफ केमिस्ट्री है वो, उसका परफॉर्मेंस अगर देखे, उसका वोल्टेज एकदम फ्लैट है, फिर लाइफ ज्यादा अच्छी है उसकी, मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 गुना ज्यादा चलती है वो बैटरी, चार्ज डिस्चार्ज अगर साइकिल्स की बात करें तो काफी एडवांटेजेस है। मगर वो एनर्जी डेंसिटी बहुत कम है, कम है, कम है। तो एक समय के बाद जैसे टेस्ला ने बोला कि नहीं हमको एनएमसी चाहिए, तो एनएमसी क्या है कि उन्होंने एलसीओ का 200 से 250 तक आ गया, तो उन्होंने कहा कि ये 250 पे हम चला लेंगे, ठीक है, और उन्होंने वो प्रूव कर दिया कि 250 पे चल सकती है। अब जब ये हो गया कि 250 पे चल सकती है, तब लोग सोचने लगे कि भाई 250 की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। और तब तक जो है कि ये अपना एलएफपी जो था वो भी अभी आज की तारीख में देखे तो 160-170 पे पहुंच गया 110 से। तो अब उसका एक मैंने उस पर कैलकुलेशन किया था, उस पर ब्लॉग भी एक लिखी थी कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो ये अगर आप 250 से 150 पे जाओगे, सेम बैटरी का कैपेसिटी लेता हूं, मगर 250 वॉट आवर पर किलोग्राम से 150 वॉट आवर पर किलोग्राम पे जाता हूं, मतलब मैं एनएमसी से एलएफपी की बैटरी लगाता हूँ उसी गाड़ी में, तो मेरी जो रेंज है वो, या मेरी एफिशिएंसी जो है वो 6% से घटेगी, ठीक है। अब 6% काफी होता है एज एन इंजीनियर, सौरभ आप सोचोगे कि 6% मतलब बहुत बड़ी बात हो, ठीक है, मगर आप हाँ कंपैरिजन, अब
एब्सोल्यूट टर्म्स में करते हैं कि आज की तारीख में आप पेट्रोल की गाड़ी चला लो, पर किलोमीटर आप लगभग 6 रुपए तो खर्च करोगे कम से कम। करेक्ट। जब वो एनएमसी की गाड़ी अगर आप चलाओगे तो पर किलोमीटर आप 1 रुपया खर्च करोगे। तो अब अगर 6% से आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है तो आप 1 रुपए 8 पैसे खर्चा करोगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि वो 8 पैसों के लिए आप क्या डिफरेंस ला रहे हो। और अगर ये बताऊं मैं आपको कि 8 पैसे के लिए आपकी जो बैटरी की प्राइस है वो 80,000 रुपए से कम हो रही है गाड़ी में, तो फिर आप ये देखिए ना कि ये आपका ब्रेक इवन कब होगा, जब आप 10 लाख किलोमीटर चलाओगे। ठीक है, राइट। तो ये तो मतलब बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया लोगों के लिए कि भाई गाड़ी जो है वो 1-2 लाख किलोमीटर तक चलेगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब 3-3.5 से ज्यादा तो अपने यहाँ पे टैक्सी भी नहीं चलती है। तो फिर अगर आप LFP लगा दो तो वो सस्ता पड़ना है ओवरऑल, मतलब और अपफ्रंट कॉस्ट कम हो गई जो कि सबसे ज्यादा लगती है लोगों को, 6 पैसे तो किसी को नजर में भी नहीं आएंगे। तो ये होके LFP में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया कि बैटरी सस्ती है, अच्छी चलती है, सेफ भी है, तो इसे यूज करना चाहिए। दूसरा एक चैलेंज ये था कि निकेल कोबाल्ट इनकी सप्लाई चेन पे थोड़ी सी गड़बड़ है, और पर्टिकुलरली अगर हम अभी पिछले 1.5-2 साल में देखते हैं तो ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। जितनी भी बैटरी ग्रेड निकेल आती थी वो ज्यादातर रशिया से आती थी, तो उसकी कीमत जो है वो 2 दिन में 5 गुना बढ़ी थी, उसके बाद कम होके स्टेबल हुई तो वो ओरिजिनल से 2.5 गुना पे चल रही है। तो ये सप्लाई चेन्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मगर ये मतलब ध्यान में आ गया ना लोगों को कि अगर कोई आके आपकी एक क्रिटिकल सप्लाई चेन काट दे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोहा आयन LFP में लिथियम फेरस फॉस्फेट है, वो तो लोहा है ज्यादातर सारी, लोहा तो सबके पास होता है, तो लोहे की प्रॉब्लम तो कभी होनी नहीं है। तो अगर LFP पे जाओगे या आज की तारीख में एक और लोग काम कर रहे हैं ना LMFP लिथियम मैंगनीज फेरस फॉस्फेट, तो मैंगनीज भी ऐसी चीज है कि बहुत कॉमनली मिलती है, बहुत कॉमनली मिलती है। तो फिर इससे क्या है, और वो एनर्जी डेंसिटी की भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे दूसरा एक काम चल रहा है, जैसे मतलब उस लाइन पे हम लोग भी काम कर रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप केमिस्ट्री बदल दो जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स चेंज कर दो, वोल्टेज बढ़ा दो या कैपेसिटी बढ़ा दो, या फिर दूसरा आता है कि जो आपका बैटरी में डेड वेट होता है जो कि एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा है, बट बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो बैटरी चलाने के लिए जरूरी होते हैं, कि आप उसको कम कर सकते हैं, मतलब एक तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, तो वो भी हो सकता है और उसका भी एक पोटेंशियल है। तो अगर वो दोनों तरफ से देखें तो ये एनर्जी डेंसिटी की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि 2-2.5-3 साल से ज्यादा चलेगी, उसके बाद तो कोई बात भी नहीं करेगा उसके। तो ये अगर एक बार एक तरफ देख लेना, तो उसके बाद फिर बचता है कि भाई अब सप्लाई चेन मेरी कौन सी सबसे अच्छी है, सिक्योर है, और बैटरी मेरी कौन सी सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो उस पे जाएंगे सब लोग। पर अपूर्व इससे पहले मतलब एक और मुद्दा यही है ना कि कौन सी बैटरी शायद चार्ज, जैसा कि आपने कहा 2 घंटे में हो रही है, 2 मिनट में हो रही है, तो वो कितना बड़ा मुद्दा है अभी, और आगे जाके क्या वो भी कम हो जाएगा और बैटरी ज्यादा से ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाएगी, ऐसा होगा? नहीं, बैटरी जल्दी चार्ज तो होगी। अगेन उसका कारण ये भी कहूंगा कि वो रिक्वायरमेंट है, जब किसी चीज की जरूरत होती है तो सब लोग उस पर काम करते हैं, और जब लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो उस पर कोई ना कोई हल तो निकल ही आता है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो जैसे आज नहीं, 2-3 साल पहले की बात करूंगा कि जब मुंबई में टाटा पावर का ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे विक्रोली में एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगा था, तब ये कहा था कि भाई टाटा नेक्सॉन वहां पे फास्ट चार्ज हो सकती है, 80% तक पहुंच जाएगी 1 घंटा 20 मिनट में। तो फ्रॉम अ बैटरी इंजीनियर व्यू पॉइंट 1 घंटा 20 मिनट तो भाई मतलब बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसमें कितनी सारी सेफ्टी की चैलेंजेस देखनी पड़ती है। मगर अगर मैं वही चीज ये सोचो कि अगर ये मुझे गाड़ी खरीदनी है क्या, तो मेरे लिए वो थोड़ी सी एक मतलब एक मेंटल बैरियर है कि 1 घंटा 20 मिनट में किसी चार्जिंग स्टेशन पे रुकूंगा। तो चार्जिंग तो फास्ट होनी पड़ेगी, अब उसके लिए लोग अलग अलग पर्याय लाते हैं, कि जैसे कोई कहता है कि स्वॉपिंग होनी चाहिए, तो स्वॉपिंग कर लो तो क्या है कि एक बैटरी आप निकाल के दूसरी लगा दो तो उसको तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर चार्जिंग की रिक्वायरमेंट वहां पे भी आती है, फास्ट चार्जिंग, जितने भी स्वॉपिंग वाले लोग हैं ना उनको भी फास्ट चार्जिंग चाहिए,
और उसका कारण ये है कि अगर वहां पे फास्ट चार्जिंग नहीं होगी आपकी तो आपको बहुत सारी बैटरीज चाहिए आपके पास जो आइडल पड़ी रहेंगी, उसका कोई वैल्यू नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, तो फास्ट चार्जिंग तो जरूरत है, फास्ट चार्जिंग तो काम होगा ही होगा। मेरा मानना है कि 5 मिनट भले नहीं, 15 मिनट तक तो आ ही जाएगी बात, आसानी से आ जाएगी। वहां से 15 से 5 कैसे पहुंचता है वो देखना होगा, मतलब 15 तक तो आ जाएगी। नहीं, जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं ये भी सोच रहा था थोड़े ब्रॉडर तरीके से कि किस तरीके से अब हार्डवेयर और केमिस्ट्री एकदम कोर हो गया है टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब 10 साल पहले तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चिप्स को तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं समझता था, मतलब छोड़ दो, बात भी नहीं करते थे, उसकी कमोडिटी हो गई है ऐसी बात थी। लेकिन आज उसकी बात हो रही है, वैसे ही हम लोग सेल के ऊपर कितना महत्व हो गया है उसका आज की इकोनॉमी में और हमारी फ्यूचर क्लाइमेट रेजिस्टेंस इकोनॉमी के लिए भी। तो इसका क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि क्यों हार्डवेयर या मटेरियल्स इतना ज्यादा उसका महत्व बढ़ गया है या फिर इकोनॉमी बदल गई है, का क्या कारण लगता है आप सब सबके लिए है सवाल? नहीं, वैसे मटेरियल साइंस अगर आप देखें ना तो हमेशा से ही उसका महत्व काफी ज्यादा था, हमेशा से ही ज्यादा था। आप मेटलर्जी की बात करें, मटेरियल साइंस की बात करें तो, मगर वो क्या था कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर फेसिंग नहीं था उतना। अगर कंज्यूमर फेसिंग मैं कहूंगा कि वैल्यू के तौर पे अगर देखे तो कंज्यूमर फेसिंग उतना नहीं, या आज भी अगर देखे तो दुनिया के बहुत कम देश है जो जेट इंजन खुद से बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसके डिजाइन आपके पास नहीं है, डिजाइन आप खरीद लो, उसको रिवर्स इंजीनियर कर लो, कह लो कि मतलब क्यों नहीं बना पा रहे, तो वो इसलिए नहीं बना पा रहे ना, डिजाइन तो है मगर वो मटेरियल बना नहीं पा रहे, वो अलॉय बना नहीं पा रहे। ठीक है, या फिर वो अलॉय बना के उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो मटेरियल इंजीनियरिंग जो थी, मटेरियल साइंस जो था, वो हमेशा से उसका एक महत्व था। आज वो कस्टमर फेसिंग हो गया है, एंड कस्टमर फेसिंग हो गया है कि आप बैटरी देखो, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। कि मोबाइल फोन में भी वही बैटरी जा रही थी, वही लिथियम आयन बैटरी थी, मगर वो एक मोबाइल फोन में एक्चुअली अगर उस बैटरी की बात करें तो वो हार्डली 100 रुपए की भी बैटरी नहीं थी। रिप्लेसमेंट की हम लोग जो कीमत चुकाते हैं वो एक्चुअल बैटरी की नहीं होती है, वो होती है लॉजिस्टिक्स की, वो होती है सर्विस की, वो होती है पैकेजिंग की। बैटरी की कीमत उसमें हार्डली 100 रुपए होती थी। अगर अब अगर हम गाड़ी की बात करें तो वही बैटरी 3-4-5 लाख रुपए की अगर हो जाती है तो उसकी नेचुरली उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। पर पर्सन अगर हम उसका फ्रैक्शन देखें ना तो फिर वो पर कैपिटा तौर पे देखोगे तो अब काफी ज्यादा वैल्यू हो गया वो। तो एक ये कारण है। आपने चिप्स की बात की, हाँ चिप्स तो हमारे मतलब रोज जितनी चीजें देखते हैं सब जगह पे चिप तो होती ही है आजकल, मगर उसकी वैल्यू कितनी होती है वो एक बात आती है ना। कि चलो मतलब बहुत ही महंगे महंगे चिप्स है, लैपटॉप के चिप्स वगैरह अभी हम i7 i9 वगैरह देखते तो काफी महंगे होते हैं, मगर अगर मेरे लैपटॉप में 10,000 का चिप जाता है, मेरे फोन में 3-4 हजार का भी चिप जाता है, सब कुछ पकड़ के कितना होगा, 10,000 15,000 20,000। ठीक है, जबकि अगर मैं गाड़ी ले लूँ और उसमें 5 लाख की बैटरी जाती है तो वो तो मतलब एक अलग ही लेवल पे चला गया। तो वो एक किस्सा है प्रणय। इसमें एक मेरे को एक जो चीज और लगती है, मैं भी अभी सोच ही रहा हूँ कि जैसे इसी कोई भी कोई चेन होती है ना, पिछले 20 साल में क्या हुआ है कि सॉफ्टवेयर डिजिटल वाली चीजों में बहुत जल्दी जल्दी आप आइट्रेशन बहुत जल्दी कर सकते हो ना, एक के ऊपर एक चीजें बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत आगे चीज़ें निकलती गई। तो तुमने जैसे बोला कि हाँ, तो वहाँ पे हमको लगा कि आप, लेकिन एक चेन में फाइनली आप एक वीक लिंक जो है आप उतने ही स्ट्रांग हो जितना आपका सबसे कमज़ोर कड़ी जितनी आपकी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि अब ये बॉटलनेक बन गए, क्योंकि इनकी जो इनका जो आइट्रेशन है, जो कि ये मटीरियल साइंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये सब इंजीनियरिंग का जो आइट्रेशन टाइम है वो सॉफ्टवेयर और डिजिटल जितना नहीं है या बाकी इंजीनियरिंग, तो आज हमको ये दिख रहा है क्योंकि ये बॉटलनेक है ना हमारे लिए, और आपका ध्यान बॉटलनेक्स पे ही जाएगा तो बाकी चीज़ें बॉटलनेक नहीं बन हैं और ये बॉटलनेक हैं। तो मुझे, मैं इस तरह से देखता हूँ कि कोई चीज़ें जहाँ पर प्रगति की रफ्तार तेज़ है, बहुत तेज़, आप बहुत तेज़ कर लीजिए कुछ में और कुछ में बहुत धीरे रखिए, तो जो एक एक समय आएगा या तो आप धीरे वाली चीज़ को ऑब्सोल्यूट बना दीजिए, पर एनर्जी वगैरह को आप कैसे ऑब्सोल्यूट बना देंगे ना, तो वो तो होने से रहा। तो अगर वो ऑब्सोल्यूट नहीं हो रही है तो फाइनली वो आपके लिए बॉटलनेक बन जाएगी, और अगर वो बॉटलनेक है तो फिर पूरी आप जैसे आई मीन थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स और इसमें आप जानते हैं जो जिन लोगों ने भी पढ़ी है कि बॉटलनेक की क्या वैल्यू है। ठीक है, सारी वैल्यू बॉटलनेक की ही है, आप बाकी जगह चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है,
तो आप देख लीजिए, जैसे अगर अगर पूरी दुनिया अगर कोबाल्ट निकल पे है तो अगर फिर रशिया की वैल्यू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, जैसे पूरी दुनिया तेल पे चल रही है तो मिडिल ईस्ट की चांदी हो रखी है क्योंकि वही एक बॉटल नेक है। तो जिस भी चीज को आप बॉटल नेक बना लेते हैं किसी भी सप्लाई चेन में सिस्टम में, सारा वैल्यू वो बॉटल नेक कैप्चर कर लेगा ओवर टाइम। वहां पे सारा इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, सारा टैलेंट भी जाएगा ओवर टाइम। वहां से आप जियोपॉलिटिकल चीजें भी कर सकते हैं उस बॉटल नेक के अराउंड। और तो ये मैं इस चीज को थोड़ा उस नजरिए से देखता हूँ। हाँ, ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है बात की क्यों ऐसा है। और एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज पिछले 20 सालों में अभी धीरे 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 और सेंटर स्टेज बनता जा रहा है, और अगर हमें जिस गति से हम बढ़ रहे हैं हमें उसी गति से बढ़ते जाना है, तो लोगों को लगता है कि एक सॉल्यूशन यही है कि और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मोड्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर किया जाए। तो आई थिंक उसकी वजह से एक सोलर पे उतना फोकस आ गया है, और अगेन सोलर इसलिए प्रॉब्लम है, मतलब सोलर का लिमिटेशन ये है ना कि आप उसको जब वो मिल रही है तो आपको उसको कन्वर्ट करके उसको किसी और फॉर्म में कैप्चर करना पड़ेगा, तभी उसको बाद में स्टोर करना पड़ेगा हाँ, तो उस सब में फिर वापस बैटरी की बात आ जाती है, तो वहाँ पे भी एक एडिशनल स्ट्रीम बना जहाँ से शायद डिमांड आएगी इसके अंदर। और एक बात इस पे ऐड करूंगा कि ये सिर्फ इट इज नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज, सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज अगर हम कहें कि हाँ ठीक है, फिर मतलब आप बिजली यूज करना बंद कर दो, तेल यूज करना बंद कर दो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या हो रहा है कि 800 करोड़ लोग है पृथ्वी पे और सबको जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। अगर आप देखें पर्टिकुलरली हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। और अगर आप ये देखोगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था कि वो आपको एनर्जी एक्सेस कितना है, आप एनर्जी कितना यूज कर सकते हो, उसी से डायरेक्ट डिटरमिन होता है। तो यहाँ पे एक तरफ आपको एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ाना है, दुगना तिगना करना है, दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि तेल जला नहीं सकते, कोयला जला नहीं सकते, उससे तो प्रॉब्लम हो रही है। तो बैटरी यहाँ पे आ जाती है ना, कि सिर्फ बैटरी की बात नहीं है, यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है कि इससे क्या है एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप देखो कि आप कोयला जला रहे हो, तेल जला रहे हो, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी 30% के आसपास है, 30-35%, 40%, उससे ज्यादा तो है नहीं कहीं पे। और आप वही चीज इलेक्ट्रिसिटी पे करो तो आपका जो है वो एफिशिएंसी 80%, 90%, 95% तक चला जाता है। तो वहां पे जो बात आती है ना कि आप उतनी ही एनर्जी लेके लोगों को आउटपुट जो है वो दुगना दे सकते हो, तो वहां जाके एक ओवरऑल वो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है। बैटरी उसमें क्या है कि एक स्टोरेज, जैसा ख्याति ने कहा कि स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बीच में कहीं ना कहीं पे आपको एक बफर बनाना पड़ता है ना। जैसे सोसाइटी में हम लोग पानी की टंकी होती है जो मोटर लगा के रोज पानी भर के रखते हैं ताकि आप जब आपको जब चाहिए तब आपको वो मिल जाए, तो बैटरी वो काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम लोगों ने बात की इस केमिस्ट्री वगैरह की, अब थोड़ा सप्लाई चेन के ऊपर आते हैं। तो आप जैसे कह रहे थे कि ये सेल की अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं वगैरह, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुई है, और जैसे ऑडियो कैसेट कंपनीज भी हैं जो ये सेल बनाने लगी ऐसा लिखा है आपने, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है इनसे। तो जैसा मैं कह रहा था ना कि ये केमिस्ट्री सारी जो थी वो 70-80 के दशक में बनी थी, मगर इसकी कमर्शलाइजेशन जो थी वो 1992 तक हुई नहीं थी लिथियम आयन बैटरीज की। उसका एक कारण ये था कि ये बनाए कैसे, क्योंकि जब हम पानी से बने इलेक्ट्रोलाइट से जाके वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के इलेक्ट्रोलाइट पे जाते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है कि आयोनिक कंडक्टिविटी या फिर आयोन ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम कम हो जाती है। तो अगर हमको उतना ही पावर चाहिए बैटरी से तो हमको क्या करना होगा कि इलेक्ट्रोड्स को काफी छोटा करना पड़ेगा और एक दूसरे के काफी करीब लाना पड़ेगा। तो लेड एसिड बैटरी जैसे होती थी उसमें क्या है कि मोटे मोटे लेड के प्लेट डाल दो आपका काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिथियम आयन बैटरी में देखते तो वही कैलकुलेशन करते थे तो वो इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो हमारे बाल के थिकनेस से कम होना पड़ेगा। अरे ओके ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ना कि आप इसको मैन्युफैक्चर कैसे करोगे। ठीक है कि आपके वो दोनों इलेक्ट्रोड इतने पास में होने चाहिए कि वो 0.1 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर के पास होने चाहिए। ठीक है तो ये बड़ी समस्या थी। और ये जब 91-92 की अगर हम बात करें
तो तब ये हुआ था कि जैसे ऑडियो कैसेट होती थी, वीडियो कैसेट होती थी, वो इंडस्ट्री एक तरह से खत्म होने आ गया था। आपकी सीडी टेक्नोलॉजी वगैरह हो चुके थे, तो वो मशीन थे, वो फैक्ट्रीज थी, अब उसका कुछ करना था। और उसमें अगर आपको याद होगा कि वो जो टेप होती थी, ऑडियो और वीडियो कैसेट थी, वो काफी पतली, उस पर कोटिंग होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि कोटिंग की टेक्नोलॉजी है जिससे मैं इतना पतला लेयर बना सकता हूँ, तो एक तरफ एनोड कोट कर दो, एक तरफ कैथोड कोट कर दो, उसको पास में जाके चिपका दो और उसमें एक बीच में एक मेम्ब्रेन डाल दो, तो आपके वो इलेक्ट्रोड उस डिस्टेंस पे आ गए, उस अंतर पे आ गए कि आपकी ये टेक्नोलॉजी चल सकती है। तो इस कारण जो है, वो जो ऑडियो और वीडियो कैसेट वाले लोग थे, वो बैटरी बनाना शुरू कर दिए जापान में। और अब जापानीज लोगों ने टेक्नोलॉजी लाई है तो भाई सोच समझ के लाई होगी, तो बाकी लोग जो है कि अरे भाई वो कर रहे हैं ना, फिर हम क्यों नहीं कोशिश करें, हम भी वही करते करके लोग उनको फॉलो करते गए। और आज 30 साल बाद देखे तो वही टेक्नोलॉजी है जो बैटरी में आज जा रही है। हालांकि हमको ये सोचना चाहिए कि उस समय जो बैटरी बनाई थी उसका एप्लीकेशन कुछ और था, आज जो हम बैटरी बना रहे हैं उसकी एप्लीकेशन और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत अलग है। तो शायद हमें बैटरी भी अलग तरीके से बनानी होगी ताकि वो उतना परफॉर्मेंस दे सके। तो और वहां पे उन्होंने शायद अपनी थोड़ी मजबूरी का फायदा उठाया कि भाई उनको दिख रहा था हमारी मशीनें तो वेस्ट होने वाली हैं सीडीज की वजह से, तो इनको हम यूज कर लें। तो उनके क्राइटेरिया भी अलग थे। अगर जिसको वो मजबूरी नहीं है तो शायद आप कुछ और तरह से सोचेंगे और आप कोई और तरह से बेटर तरह से चीजें बना सकते हैं शायद। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और आपकी स्टार्टअप इसी विषय पे काम कर रही है अपूर, मुझे पता नहीं है, बहुत अर्ली है, आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में कि आप किस जगह पे क्या कहते हैं इनोवेशन खोज रहे हैं उसमें, या कुछ कह सकते हैं उस बारे में? जरूर। तो जैसा मैंने पहले थोड़ा सा कहा ना कि हम इनोवेशन जो कर रहे हैं वो डिजाइन की तरफ कर रहे हैं, जहाँ पे कि डेड मास जो है हम कम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम जैसे ये पूरा जो इलेक्ट्रोड का डिजाइन होता है, दोनों इलेक्ट्रोड का, वो हमने चेंज कर दिया है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है जिस पाथ से जाती है, जिस रास्ते जाती है, वो रास्ता बदल दो। तो उससे क्या होता है कि जो बैटरी की हीटिंग होती है वो कम हो जाएगी। तो एक तरफ ये डिजाइन है, दूसरी तरफ है जो मैन्युफैक्चरिंग वाला। जैसा मैंने कहा ना कि एक जो तरीका था बैटरी मैन्युफैक्चर करने का, वो एक अलग समय की बात है, अलग एप्लीकेशंस की बात है। आज की तौर पे अगर हमको करना है तो मैन्युफैक्चरिंग भी अलग होनी चाहिए। तो और हमारा डिजाइन इतना अलग है कि उसके हिसाब से नई प्रोसेस बनाना हमने सही समझा, तो हम लोग दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की काम कर रहे हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स आपके कम हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी मशीन्स कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी एक जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी, और बैटरी की क्वालिटी है वो इनहेरेंटली इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि आप जैसे सोचिए, जो कन्वेंशनल एक हमारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें लगभग 30 से 35 स्टेप होते हैं जो एक रॉ मटेरियल से बैटरी पे पहुंचता है। अगर हम ऐसे सोचे कि वो 30 से 35 जगह है जहाँ पे हम गलतियां कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो उसका जो इफेक्ट है ना, वो मल्टीप्लाई होके फाइनल आपको मिलने वाला है। तो वो अगर 30-35 की अगर समझो हम 15 कर दे, तो हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारी एक रिलायबिलिटी है सेल की, वो उतनी ही इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि हमने जो आपके पोटेंशियल जगह है ना, जहाँ पे हम लोग एरर कर सकते हैं, तो वो एरर ही हमने निकाल दिए, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो इट इज अ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। केमिस्ट्री पे हम हाथ नहीं लगाते। केमिस्ट्री हमने कहा कि भाई ये LFP वगैरह जो चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है, इस पे ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, इसमें काम होने वाला है हमारा, केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाते। करेक्ट। तो सेम केमिस्ट्री में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन, जो कि एक नई चीज है हिंदुस्तान में, इस चीजों पे काफी कम काम होता है, तो अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो लेकिन इसमें मुझे जनरली, लेकिन ये भी बताइए कि हमने लिथियम के बारे में काफी बात करी, पर लोग केमिस्ट्री में भी खूब करते रहते हैं इनोवेशन वगैरह। लोग अक्सर बोलते हैं भाई सोडियम वाली बैटरी आने वाली है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल आ जाएंगे, अल्ट्रा कैपेसिटर आ जाएंगे। तो इन इनके बारे में आपका क्या कहना है कि अभी लिथियम जो है उसकी उसका वर्चस्व बना रहेगा या बना हुआ है? एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कहाँ चल सकती है, और दूसरा इस बात पे आता है कि इकोनॉमिक्स क्या कहता है। ठीक है, कि हम भले आज कह रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, बहुत महंगा है, अगर मटेरियल्स के तौर पे देखें तो 100 रुपया लीटर बहुत सस्ता होता है। अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम कितने का आता है, 250-300 रुपए किलो होता है।
स्टेनलेस स्टील अगर हम देखें तो 350-400 रुपए किलो होता है, तो मटेरियल्स के तौर पे 100 रुपया लीटर जो है वो इतना महंगा नहीं होता, ठीक है, तो कीमत से बहुत नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन आग आग जलाने के लिए शायद महंगा है ना, बाकी चीज से तो आप बना के रख लेते हैं ना, इसको तो फूंक देते हैं। नहीं मगर वही बात है ना कि आग जलाने के लिए कौन सी चीज महंगी है या सस्ती है, तो अच्छा कीमत जो होती है वो बाकी एप्लीकेशन से भी आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप हाइड्रोजन लेते हो, हाइड्रोजन आप इंडस्ट्री में भी करोगे और इंजन में जलाने के लिए भी अगर इस्तेमाल करोगे आप, तो ऐसा नहीं है ना कि एक जगह पे सस्ता मिलेगा और दूसरी जगह पे महंगा करके बेचोगे, तो कीमत जो होगी वो दोनों तरफ सेम होगी, तो अगर आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और उसकी डिमांड है, कीमत उसकी वजह से अगर बढ़ती है तो फिर आप गाड़ी में नहीं इस्तेमाल करोगे ना, क्योंकि वो महंगा हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला किस्सा हाँ, और पेट्रोल तो हम बहुत जगह यूज करते हैं ना, सारा नायलॉन हो गया हमारा, कपड़े हो गए, कितने पॉलिस्टर हो गया, सब तो आजकल इसी चीज से बन रहा है, कितनी दवाइयां वगैरह, बहुत कुछ पेट्रोलियम से बनता है। और अगर आप देखें ना तो हाइड्रोजन आज की तारीख में हाइड्रोजन प्राइमरीली एक केमिकल के तौर पर यूज होता है, आपका जितना यूरिया बनता है जो एग्रीकल्चरल यूज में जाता है एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, तो यूरिया जो है वो अमोनिया से बनता है और अमोनिया जो है आपका हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो अमोनिया बनाना है, मगर आप ये सोचोगे कि क्या आप अमोनिया को जलाओगे आज की तारीख में, नहीं जलाओगे ना, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं उसको, तो उसको तो जलाओगे नहीं आप, ठीक है, तो दूसरा लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे यहाँ पे कोयला यूज होता है या फिर कोक यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है, यहाँ पे जलाया जाता है वो, तो वहां पे हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे स्टील में अभी शायद पिछले हफ्ते की ही बात है जो टाटा स्टील ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रोजन यूज करना शुरू करेंगे अपने स्टील प्रोडक्शन में, तो ये कोयला हटाने के लिए कोकिंग प्रोसेस हटा करके जिसको वो ग्रीन हाइड्रोजन जिनकी पूरी लहर है जो, तो अब जैसे ये सारे एप्लीकेशन बढ़ने शुरू हो जाएंगे ना, तो वो इकोनॉमिक्स पे आ जाएगा कि वो क्या वो कीमत नीचे रहती है कि नहीं रहती है, तब उस पे बात आ, आप कह रहे हैं हाइड्रोजन का कंपटीशन बहुत ज्यादा है बाकी जगहों से, आप कह रहे हैं सोडियम के बारे में, सोडियम तो नमक में खा रहे हैं तो वो तो सस्ती सी चीज है, तो सोडियम के क्या ख्याल है, सोडियम की कीमत कभी नहीं बढ़ेगी, इतना तो पक्का है कि कितना भी हो जाए वो इतना सस्ता है कि उसकी कीमत तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, उसकी बात यह है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी मैच्योर होनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी में सिर्फ ऐसा नहीं होता ना कि आपने केमिस्ट्री खोज ली तो उससे बैटरी बन गई, उसमें काफी सारी चीजें आती है कि वो बनाएगा कौन, रिफाइन कौन करेगा, प्रोसेस कौन करेगा, फिर उससे वो केमिस्ट्री कौन बनाएगा, फिर उसकी बैटरी कैसे बनेगी, पूरी पूरी चेन आपकी बननी पड़ेगी ना, तो वो सेटल होनी पड़ेगी। और दूसरी बात होगी कि आपको जो आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी पड़ेगी, जिस दिन ये दोनों चीजें सही हो जाए उस दिन हम सोडियम आयन बैटरी रियल लाइफ देख सकते हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें तो सोडियम आयन बैटरी का जो केस है वो इट इज अराउंड 80-85 वॉट आवर पर किलोग्राम इन रियलिस्टिक सेंस, तो हम इसका कंपैरिजन ये ले सकते हैं कि 10-12 साल पहले LFP 110 पे था, वो आज 170 पे पहुंचा है, मैं समझता हूँ कि वो 200 के ऊपर जा सकता है, तो शायद ये हो सकता है कि ये सोडियम भी 150-160 तक पहुंच जाए किसी दिन, मगर जब तक वो पहुंचेगा नहीं ना तब तक उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और जिन जो लोगों ने, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल की बात करी तो बेसिकली सोडियम लिथियम के सीधा नीचे वाला है, तो थोड़ी एक लिमिटेशन तो रहेगी, लिथियम जितना डेंस तो नहीं होगा क्योंकि एक नीचे तो है ही वो लिथियम से, पर ये है कि कुछ एप्लीकेशंस के लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी डेंसिटी उतनी नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है, स्टेशनरी स्टोरेज जहां सोलर प्लांट हो गया, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है ना, एक गड्ढा खोद के वहां पे बैटरी भर देनी है आपको, वो तो वजन से फर्क नहीं पड़ता, साइज से फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। इनफैक्ट ये बैटरी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होने वाली है अगले 8-10 साल में, वो तो अलग अलग दूसरी टेक्नोलॉजी को आना पड़ेगा, नहीं तो अकेला लिथियम निभा नहीं पाएगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लिथियम का वर्चस्व कम ज्यादा होने वाला है, लिथियम तो रहेगा ही रहेगा, बाकियों को भी साथ में हाथ बटाना होगा, तब जाके ये सारा ट्रांजिशन पूरा हो सकता है, साथ ही हाथ बटाना। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये जैसे आपने अभी कहा अपूर्व माइनिंग वगैरह के बारे में, तो ये लिथियम के बारे में ही, पहले तो मुझे जियोपॉलिटिक्स के बारे में पूछना था, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा
प्रोसेस बताइए ना, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, माइनिंग से लेके तो ये सेल बनने तक क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं, और उसके बाद हम लोग इसकी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं। तो अच्छा, तो लिथियम जल्दी जल्दी बताता हूँ कि लिथियम में क्या है कि जो माइन में मिलता है दो तरीके से मिलता है, या तो लिथियम पत्थर में होता है जो माइन में जाता है, या फिर लिथियम ब्राइन होता है कि वो क्या है, लिथियम के सॉल्ट्स होते हैं जो पानी में मिलते हैं। तो ये ब्राइन्स जो होते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की होती है, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की है नेचुरली वो हमको ज्यादा अच्छी है क्योंकि वहां से एक्सट्रैक्शन आसानी हो सकता है, और जो ये पत्थर से आता है उससे एक्सट्रैक्शन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज्यादा मटेरियल प्रोसेस करना है, काफी सारा उसको मैकेनिकली प्रोसेस करना है, केमिकली प्रोसेस करना है, तब जाके आता है। तो हर एक लिथियम सोर्स की जो कीमत है वो अलग अलग है, कॉस्ट जो है वो अलग अलग है, और लिथियम की जो प्राइस जो चल रही है मार्केट में वो डिसाइड करेगी कि कहाँ से आ सकता है कहाँ से नहीं आ सकता है। बिल्कुल, जैसे पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होगा तो फ्रैकिंग इकोनॉमिकल हो जाता है वगैरह। तो इवन पेट्रोल में अगर देखें तो अगर हम रशिया की ऑयल ड्रिलिंग कॉस्ट और यूएस की ऑयल ड्रिलिंग कॉस्ट देखें और मिडल ईस्ट से कंपेयर करें तो मिडल ईस्ट की जो ड्रिलिंग कॉस्ट है, जो ऑयल निकालने की कॉस्ट है, वो इतनी कम है कि उनको नेचुरली बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, बाकियों को उतना नहीं मिल पाता। तो वही वाला किस्सा लिथियम के साथ भी है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो एक साउथ अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल कहलाता है, अर्जेंटीना बोलीविया चिले, जहां पे कि ये लिथियम जो है ब्राइन फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल जो स्पोडियमीन वगैरह होता है, तो वहां पे लिथियम प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग है, साउथ अमेरिका की लिथियम प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग है। चाइना में भी लिथियम प्रोसेसिंग जो है वो इट इज फ्रॉम द मिनरल द रॉक नॉट द ब्राइन। तो ये अभी तक अगर देखें तो यही मेन पांच सोर्सेस थे लिथियम के, मगर जैसा कि हमने तेल के साथ भी देखा है और आप 1990 से लेके अब तक देखेंगे तो हमने 90s में बचपन में बहुत सुना था कि भाई तेल खत्म होने वाला है, तेल खत्म होने वाला है, तेल तो अभी खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अगर देखोगे कि लिथियम ये तेल का रिजर्व कितना था तब कितना था, और हर 5 साल में देखते जाइए कि तेल का रिजर्व कितना था, तो आप चौंक जाएंगे कि ये तेल के जो टोटल रिजर्व थे ना वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज की जब जरूरत पड़ती है तब लोग ढूंढना शुरू करते हैं, और आप जितना ढूंढोगे, पिछले एपिसोड में हमने वो अल्टीमेट रिसोर्स नाम की किताब के ऊपर डिस्कशन किया था, उसमें यही प्रेडिक्ट किया था जूलियन साइमन ने 90 के दशक में कि ऐसे कोई भी संसाधन खत्म नहीं हो जाता, तो संसाधन की कीमत बढ़ती है तो हम लोग तरीके ढूंढ लेते हैं उस तक पहुंचने के। नहीं, हम ढूंढना शुरू करते हैं ना कि अरे पृथ्वी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है ना कि हमने सिर्फ ये 5-6 देशों में लिथियम मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी जगह पे लिथियम नहीं है, वो हमने आज तक ढूंढा नहीं है या हमको आज तक पक्का पता नहीं है। ठीक है, जैसे पिछले 2 महीने में ये हुआ है ना कि एक तो जम्मू में रियासी के पास रियासी रिजर्व की न्यूज आई थी, ठीक है, उसके बाद एक हफ्ते भर में ईरान में न्यूज आई थी, हमारी तो शायद 5.8 लाख टन का रिजर्व कहा था, ईरान का तो था 8.6 लाख टन। ठीक है, तो मतलब आप सोचिए कि एकदम से आप 14 लाख टन आपने लिथियम रिजर्व दुनिया का बढ़ा दिया, और ये क्या है कि बाकी जगहों पे अभी तक सारा मिला नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा लिथियम रिजर्व है, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व वहां पे हो सकता है, मगर वहां पे पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा है कि आप जाके सर्वे करके कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें बदल रही है पिछले आगे कुछ महीनों में हुआ है, बहुत बहुत चेंजेस आए हैं इसमें। आप जैसे बोल पर अपूर्व जियोपॉलिटिक्स में जाने से पहले तो आप वो कंप्लीट कीजिए, आप बोल रहे थे प्रोसेसिंग, तो ब्राइन की प्रोसेसिंग कैसी होती है, मिनरल की कैसी होती है, और वो प्रोसेस कैसे होता है? तो ब्राइन में क्या है कि ब्राइन से आप पहले तो ये सॉल्ट निकालते हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करते हो, और उससे एक केमिकल स्टेप होता है जिससे कि लिथियम कार्बोनेट निकलता है, मगर उसमें प्यूरिफाई करना पड़ता है क्योंकि लिथियम के साथ साथ ना ब्राइन में और भी चीजें होती है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, और उन सबको अलग करना पड़ता है, तो केमिकल प्रोसेसिंग होती है जिससे कि फाइनली आपका लिथियम कार्बोनेट निकलता है, वो लिथियम रिफाइनिंग कहलाता है। दूसरी तरफ है कि जो प्रोसेस करते हैं उससे या तो लिथियम कार्बोनेट या तो लिथियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, तो अगेन इट इज पार्ट ऑफ द लिथियम रिफाइनिंग प्रोसेस।
तो लिथियम रिफाइनिंग होने के बाद उससे आपके जो लिथियम कंपाउंड्स है वो बनाए जाते हैं, कि जैसे आपका कैथोड है, एनएमसी है, एलएफपी है, सारे जो कंपाउंड्स है वो उस लिथियम कार्बोनेट से या लिथियम हाइड्रोक्साइड से बनाए जाते हैं। आगे चल के वो मटेरियल बनने के बाद वो आता है सेल मैन्युफैक्चरर के पास, जैसे कि अगर हम सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें तो हमारे पास वो मटेरियल फॉर्म में आएगा, या फिर इलेक्ट्रोलाइट में लिथियम जाता है तो वो एक लिथियम का कंपाउंड बनेगा, उससे कोई इलेक्ट्रोलाइट बना के फिर वो सेल मैन्युफैक्चरर के पास आएगा। तो सेल मैन्युफैक्चरिंग में इन सब मटेरियल्स की असेंबली होती है एक तरह से, बस वो एकदम माइक्रो स्केल पे असेंबली हो रही है आपकी। सेल बनता है, फिर सेल आगे आपके चेन में जाएगा जो बैटरी बना रहा है, या फिर व्हीकल मैन्युफैक्चरर आजकल खुद ही कई सारे होते हैं जो बैटरी बनाते हैं, तो उनके पास चला जाता है और देन इट गोज इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। तो चेन तो यहाँ पे है, तो अभी इसमें दो तीन है ना, कि पहले तो लिथियम निकाल कौन रहा है, कहाँ से माइनिंग कहाँ पे हो रही है, एक्सट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, फिर आता है आपका रिफाइनिंग, वो कहाँ पे हो रहा है, वो कौन कर सकता है, ठीक है, और फिर बाद में आता है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है यूजेबल कंपाउंड्स में। तो ये तीन बड़े इम्पोर्टेंट तो इसी से मेरा जुड़ा हुआ जियोपॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन है कि अब देखिए पेट्रोल पे हम लोग बोलते हैं भारत डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए, लेकिन जो भी है पेट्रोल इतने देशों में है अब, क्योंकि जैसा आप बोल रहे थे कई देशों ने ढूंढ लिया, तो जियोपॉलिटिकली हमारे पास एटलीस्ट हेज है, मतलब अगर सऊदी अरेबिया में कुछ हो गया हम लोग रशिया से ले लेंगे, रशिया में कुछ हुआ और कीमत बढ़ जाएगी लेकिन मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप लिथियम की बात करें, अब जैसे बोला आपने पांच देशों में, ठीक है ऑस्ट्रेलिया तो दोस्त है, कई लोग हैं तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेसिंग ज्यादातर चाइनीज कंपनीज कर रही है ना, और ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनीज आर ओन्ड बाय चाइनीज पीपल जो प्रोसेस कर रही है इसमें। तो आपको नहीं लगता मतलब लिथियम की प्रोसेसिंग अगर हम लोग नहीं ढूंढ पाए तो एक्चुअली हम लोग जियोपॉलिटिकली और एडवर्स सिचुएशन में जा रहे हैं? तो एक तो ये आप इससे अग्री करते हैं कि नहीं, आप इस पे जानना चाहूंगा। दूसरा, ऐसा क्यों है कि प्रोसेसिंग चाइना ही कर पा रहा है? ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीज है क्या इसमें कि बस यही बात है कि इसकी मतलब डिमांड वगैरह अगर होगी तो हम लोग भारत में भी इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बताइए। तो पहला वाला तो मैं अग्री नहीं करता हूँ, और उसका कारण दूसरे में है कि अगर चाइना में ऐसा क्या है जो आज की तारीख में 80-90% लिथियम वहां पे लिथियम रिफाइनिंग वहां पे हो रही है, ऐसा क्या है चाइना में? तो उनके पास विजन थी कि ये लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये इंडस्ट्री पूरी हमारे पास आनी चाहिए, ये विजन चाइनीज का। बाकी हमारे यहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोग बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जहां तक आप लिथियम माइनिंग की भी बात करो तो आप देखोगे कि जो बड़े बड़े माइनिंग इंस्टॉलेशंस है उनको चाइनीज ओनरशिप में है, ठीक है, तो वो बात भी वही है, विजन की बात है कि भाई हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आज की तारीख में अगर लिथियम सप्लाई चेन देखे तो इट इज चाइनीज कंट्रोल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। मगर तो उससे तो आप अग्री कर गए ना मेरे पॉइंट से कि नहीं, फिर चाइना तो अपना एडवर्सरियल है। तो नहीं नहीं नहीं, तो ये आज की तारीख में है, अगर ये स्टेबल सिनेरियो होता ना, ये अगर इक्विलिब्रियम पहुंच चुका होता मार्केट का तो मैं अग्री करता, बट अभी तो हम, तो आप कह रहे हैं ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि भारत या दूसरे देशों में ये सेम चीज ना बन पाए। अच्छा, हम जो है अभी डिमांड कर्व की शुरुआत पे है, ठीक है, डिमांड जो है इससे 20-25 गुना बढ़नी है, तो 20-25 गुना बढ़नी है इसका मतलब ये भी होता है ना कि नई सेटअप्स जो है आपकी माइनिंग की हो रिफाइनिंग की हो, जो नई फैसिलिटीज डालनी है, नई फैक्ट्रियां डालनी है, नई माइंस डालनी है, वो भी तो उतनी ज्यादा चाहिए, तभी जाके वो सप्लाई आएगी डिमांड के लिए। तो अब बात यह है कि जब 20-25 गुना की बात करें तो उसमें से हमको कितना चाहिए, क्या हम उतने रिसोर्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, क्या बात यहाँ पे आती है। जैसे अभी लिथियम का सोर्स तो हमारे पास चलो मिल गया, अब किसी को जाके वो निकालना होगा, किसी को वो रिफाइन करना होगा, क्या वो इंडिया में हो सकता है, क्या टेक्निकली इट इज पॉसिबल? ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इंडिया में नहीं हो सकता, इसमें ऐसे जेट इंजन टाइप की कोई चीज नहीं है जिसकी कम देशों के पास ही होगी। नहीं नहीं, मतलब ये तो केमिकल प्रोसेस है ना, तो ले आइए लोगों को, तो बड़ा आसान होता है ना, लोगों को ले आइए, आपको नॉलेज बेस चाहिए तो लोगों को लाना होगा, दुनिया भर से लेके आओ लोगों को, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है सीखो और उसको आगे बढ़ा ले जाओ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता। सेल के बारे में भी तो हमको वही करना है ना, सेल मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, उसकी भी तो नो हाउ हम मतलब 20 साल पहले पीछे थे,
मगर वो भी तो हम आगे बढ़ के करेंगे ना, तो वैसे ही होगा। लोग ले आओ, आपको नॉलेज मिल जाएगी। नॉलेज की ही अगर एक चैलेंज है, बाकी तो चैलेंज है नहीं, पैसों की चैलेंज नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब अब इस पे शायद लोग पॉलिटिकली बहुत बहस कर सकते हैं कि ये काम कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, कौन से कंपनी का नाम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मगर ये एज अ प्रोजेक्ट इंडिया में तो हो सकता है, आपकी जो सप्लाई चेन की लिमिटेशन है वो तो सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब जो रियासी में जो न्यूज आई डिस्कवरी की, तो वो सच में बड़ी बात है? रियासी में जितना उन्होंने न्यूज में कहा है कि इतना लिथियम है करके, अगर उतना लिथियम सच में है तो हमें कभी भी इंपोर्ट नहीं करना पड़े। क्योंकि एक एक बात यह है कि आप समझिए कि हमको 15 से 20 साल तक का प्रोडक्शन देखना है, उसके बाद जितना लिथियम होगा ना वो रिसाइकलिंग से आ जाएगा, ठीक है। तो उस उतने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा लिथियम है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। सेम गोज विद ईरान ऑल्सो। अभी अभी दूसरा किस्सा ये ना, जो आप चाइनीज सप्लाई चेन की बात कर रहे थे, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर नए नए सप्लायर्स मिलते जाएंगे तो आप सारा तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कहीं पे तो आपकी भी एक अपर लिमिट आ जाएगी, क्योंकि बाकी भी लोग हैं जो करना चाहते हैं, वो भी आएंगे उसमें। तो फाइनली जाके वो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में अगर 90% उनके कंट्रोल में है तो हमेशा ही रहेगा, वैसा नहीं होगा। तो अपूर्व, आपको इस बैटरी की दुनिया में फिर भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और नई चीजें क्या आएंगी? इंटरेस्टिंग। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम पूरा इतिहास देख लेना, तो जब भी कोई नई चीज आती है और कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उससे कई सारे दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, माइक्रोचिप्स की बात करें, तो जब बनने शुरू हुए थे तो शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आज जो हम देख रहे हैं वो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब हम जब स्कूल में थे तब हमने कंप्यूटर सिर्फ बड़े ही देखे थे, उसमें मॉनिटर इतने बड़े बड़े होते थे, वो बड़े डब्बे से होते थे, हमने कभी ये नहीं सोचा था ना कि जेब में मॉनिटर लेके घूमेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा से ही होता आया है और होता रहेगा कि टेक्नोलॉजी जब बदलती है, नई टेक्नोलॉजी जब आती है, तो उससे कई सारे रास्ते खुलते हैं, क्योंकि तब तक उसके बारे में सोचा ही नहीं होता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे अब बैटरीज आ गई, बैटरीज और इम्प्रूव होने लग गई, तो लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं कि गाड़ियां उड़ सकती है क्या, ड्रोन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने आज अभी सोची भी नहीं है शायद, जो अलग अलग हो सकती है। मतलब मैं अगर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि व्हाट वुड आई लाइक टू सी इन फ्यूचर, तो एक स्पेसिफिक उदाहरण दूंगा कि अगर गाड़ियां उड़े ना उड़े, मैं चाहूंगा कि एम्बुलेंसेज जरूर उड़नी चाहिए, ठीक है। और ये पहले तो मुंबई में रहता था, अभी बेंगलोर में रह रहा हूँ, तो सौरभ भी ये मानेंगे कि ट्रैफिक जिस तरह से चलता है, नहीं एम्बुलेंस तो कम से कम उड़ के जानी चाहिए। बिल्कुल, और काफी डुएबल चीज है। नहीं, बहुत बहुत चीजें हैं, मतलब बहुत काफी चीजें बदलेंगी। जैसे अभी लोग व्हीकल टू ग्रिड की बात कर रहे हो, कि आज हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी सिर्फ चार्ज होगी, नहीं, वो गाड़ी की बैटरी पे आपका घर भी चल सकता है जब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो रिवर्स भी पॉसिबल है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अभी तो हम सिर्फ उसी की बात कर सकते हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हम लोग वो अभी सोच भी नहीं सकते कि अगले 10 साल में क्या क्या और होगा। बहुत खूब, एकदम अपूर्व बातचीत हो गई आज अपूर्व इस टॉपिक पर। तो क्या कहते हैं, मेरे विचार में हम अक्सर कोशिश करते हैं कि यूजली हमारा एक एम रहता है कि इस तरीके की बातचीत हिंदी में भी होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसी भी बात करते हैं कि ऐसी बातचीत होनी चाहिए जो शायद किसी और भाषा में भी ना हुई हो इस टॉपिक पर। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज सेल पर हमारे श्रोताओं ने एक ऐसी बातचीत सुनी जो इतनी, इस तरीके की बातचीत वो शायद अपने फेवरेट अंग्रेजी पॉडकास्ट पे भी नहीं सुनेंगे। तो उनके दिमाग में और कोई सवाल आते हैं, टिप्पणी आती है, तो हमें ज़रूर बताएं, हमें लिखें, और अपूर्व के साथ अगर आपको कोई सवाल पूछने हो तो हम तो उस तक ज़रूर पहुँचा देंगे। तो आज की गुफ्तगू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व, बहुत मज़ा आया आज की बातचीत में। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल मजा आया अपूर, और आपका पैशन दिखता है जैसा आप बोलते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। और हमें तो बहुत टेक्निकल चीजें तो बहुत नई नई सीखने को मिली, तो शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको भी मजा आया।
यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए पुलियाबाजी@gmail.com पर या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर। शुक्रिया।